नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रिदांस मॉम गार्डन। तो दोस्तों, अब सर्दी शुरू हो गई है और हम गार्डनर्स की सबसे बड़ी चिंता होती है कि जो भी हम प्लांट्स, महंगे प्लांट्स घर में ख़रीद के लाए हैं, उसको कैसे हम देखभाल करें, कैसे संभाल के रखें। क्योंकि प्लांट्स ख़रीदना बड़ी बात नहीं होती है, उसको संभाल के रखना बड़ी बात होती है, कैसे उसको मेंटेन करें। सभी प्लांट्स का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है। कुछ प्लांट्स अभी डोरमेंट हो रहे हैं, जितने भी हमारे इंडोर हाउस प्लांट हैं वो सब हम डोरमेंट हो रहे हैं, तो कैसे रखना है। क्योंकि प्लांट्स ख़रीद के लाना बड़ी बात नहीं है, उसको मेंटेन करना बड़ी बात है। क्योंकि हमें बहुत बार पता नहीं चलता है कि कौन से प्लांट का क्या रिक्वायरमेंट है, और हम महंगे प्लांट्स ख़रीद के लाते हैं, दूसरे के यहाँ देखते हैं, वाओ कितना सुंदर है इनका गार्डन, और जाके अपना ख़रीद के ले आते, और पता नहीं होता है कि कैसे उसकी देखभाल करना है, कब उसका डोरमेंसी होता है, कब उसका ग्रोइंग पीरियड है, ये सब पता नहीं होता है। तो वो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। और कहाँ रखना है, सबसे मेन चीज़ है कि लोकेशन क्या होना चाहिए प्लांट्स का, ये सबसे बड़ी बात है। ये अगर आपको पता हो जाए तो आपके प्लांट जो है वो कभी ख़राब नहीं होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ इंडोर प्लांट जो कि अभी डोरमेंट हो जाते हैं। डोरमेंट यानी कि स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, अपने सारे लीव्स झड़ जाता है उनके, और न्यू ग्रोथ नहीं होती है। तो ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो कि डोरमेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे उनकी देखभाल करना है, कैसे उनको रखना है ताकि वो प्लांट्स ख़राब ना हो। क्योंकि विंटर में ऐसा सीज़न है कि 15 से 20 दिन बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ता है, और उतने में ही हमारे कुछ एक दो जो फेवरेट प्लांट्स हैं वो ख़राब ज़रूर हो जाते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि उसको प्रॉपरली कैसे रखा जाए। तो सबसे पहले ही देखिए दोस्तों, ये है वॉन्डरिंग जीव, ये भी इंडोर प्लांट है, और ये कलरफुल, इसके लीव्स देखिए कलरफुल होते हैं। और जितने भी कलरफुल इंडोर प्लांट्स हैं उनको आप टेरेस पे शिफ्ट कर दीजिए, या ऐसी जगह में रखिए जहाँ पे 1 से 2 घंटे की धूप भी अगर खिले तो उस पर पड़े, तो ऐसी जगह में आप रख दीजिए। जितने भी इंडोर प्लांट हैं जो ग्रीन लीव्स के होते हैं, लीफ होते हैं उनके, वो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो मेंटेन हो जाता है। लेकिन जितने भी कलरफुल लीव्स हैं वो, उनको थोड़ा देखभाल करना होता है, तो उनको धूप की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा है ये टर्टल वाइन। देखिए दोस्तों, ये टर्टल वाइन भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो रही थी, और जैसे ही ठंड बहुत ज़्यादा हुई, इधर 2 दिन तो बारिश भी हुई हमारे एरिया में, तो इसके सारे जो है ये ब्रांचेस सूख गए, इधर नीचे टिप में जो है वो सही है। और दोस्तों, इन जितने भी इंडोर प्लांट हैं इनको ओस से बचाना होगा। अगर इसमें ओस से बचा लिया तो प्लांट्स बच जाते हैं। टर्टल वाइन का ही मेरे पास बालकनी में भी है, मैं अभी आपको शो कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, ये बालकनी में हैंग किया हुआ है, और ये अभी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो बारिश का पानी इसमें नहीं पड़ा था, और ओस से ये बच गया है। क्योंकि देखिए इधर ऊपर सीलिंग है, तो ये बच गया था ओस से, तो ये अभी काफ़ी हेल्दी ग्रोथ हो रही है इसकी। दोस्तों आगे है ये स्वीट पोटैटो वाइन का, ये भी प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है, और ये इंडोर मैंने रखा हुआ था, और अभी धूप, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही इसको मैंने टेरेस पे रखा है, और देखिए धूप पड़ने से फिर से इसके कलर जो है काफ़ी चमक आ गई है, नहीं तो नीचे जो है बहुत डल हो गया था। देखिए इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है अभी। और दोस्तों, ये जैसे ज़्यादा कड़ाके की ठंड होगी इसके लीव सब झड़ जाएंगे और न्यू ग्रोथ नहीं होगी। और जितने भी ये कलरफुल वाले प्लांट्स हैं आप इनको तुरंत सन में शिफ्ट कर दीजिए। और इसमें पानी का ध्यान रखना है कि मिट्टी मॉइस्ट रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें पानी ना हो, ऊपर का लेयर जो है वो सूख जाए, पूरा ड्राई हो जाए, उसके बाद ही आप इसमें पानी दीजिए, तो ये जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं वो अच्छे से बच जाएंगे। आगे है दोस्तों कोलियस। कोलियस विंटर में बहुत ज़्यादा कलर में मिल जाता है, और दोस्तों ये देखिए, इसको ना धूप की ज़रूरत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको फुली इंडोर रखिए, जी इंडोर रख सकते हैं, लेकिन उसमें जो है कलर फेड हो जाने लगते हैं। अगर आप इसको थोड़ा 1-2 घंटे की धूप में भी रखें तो इसके कलर जो है फिर से खिल जाते हैं, फिर से चमक आ जाती है। तो आप इसको 1-2 घंटे धूप पड़े ऐसी जगह में रखिए, और पानी का ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा दलदल
मिट्टी ना हो लेकिन मॉइस्ट रहे, क्योंकि ये जितनी भी प्लांट्स हैं इनको मॉइस्चर पसंद रहता है, इसलिए मिट्टी जो है बहुत ड्राई नहीं होनी चाहिए, हल्का सा गीला हो ऐसे मिट्टी इसको दीजिए। दोस्तों ये देखिए ये पर्पल हार्ट, ये भी डोरमेंट हो जाता है विंटर में, लेकिन मैंने इसको धूप में रखा है तो अब इसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है, इसके फ्लावर्स भी खिल रहे हैं, तो ये प्लांट भी डोरमेंसी में चला जाता है। तो बस ये जितने भी ये कलरफुल वाले इंडोर प्लांट है इन पे थोड़ा सा धूप पड़ना ज़रूरी है, इसलिए मैंने सबको टेरेस पे शिफ्ट कर दिया है। दोस्तों आगे है ये मनी प्लांट, इसको पोथोस भी कहा जाता है, और ये भी डोरमेंट हो जाता है लेकिन इस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है विंटर का, ये ऐसे ग्रीन रहता है, तो इसमें बस पानी का ध्यान रखना है आपको, इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है, मॉइस्ट रहे सोयल लेकिन इसमें दलदल पानी ना हो, तो ये प्लांट भी बहुत अच्छे से इसमें ग्रोथ होती है और ये विंटर में इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों आगे है ड्रेसिना, ये भी डोरमेंट हो जाता है, इसके भी सारे लीव्स झड़ जाते हैं, जैसे ये देखिए ये नीचे से सारे लीव्स झड़ते आए हैं, अभी ऊपर टिप में ही है, फिर भी अभी इसमें काफ़ी अच्छा ब्राइट कलर है इसके लीव्स के, तो ये भी डोरमेंट हो जाता है। और दोस्तों ये देखिए ये भी एग्लोनीमा का प्लांट है और ये भी डोरमेंट हो जाता है विंटर में, इसके लीफ जो है तो ये देखिए ये टिप में पीले पीले पड़ने लगे हैं, तो इसको ओस से बचाना है, इतने जितने भी मैं प्लांट्स अभी आपको शो कर रही हूँ उन सबको ओस से बचाना है और पानी का ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए लेकिन सोयल जो है वो मॉइस्ट होनी चाहिए। और ये है ये सिंगोनियम का पौधा है दोस्तों, ये देखिए ये भी काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है, अभी ये भी डोरमेंट हो जाता है, और दोस्तों ये सब आसानी से लग जाता है, इसके जितने भी इसके ब्रांचेस हैं इसमें यही रूट, देखिए रूट निकलते हैं और वो दूसरे मिट्टी में दूसरे पॉट में टच हो जाते हैं तो वहाँ से नया पौधा बन जाता है, तो ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है और ये भी डोरमेंट हो जाता है। आगे है ये डिफेनबेकिया, दोस्तों डिफेनबेकिया भी डोरमेंट हो जाता है, इसके लीव सब गिर जाते हैं लेकिन इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, नीचे से दो चार लीव्स गिर जाते हैं लेकिन ऊपर का सही रहता है। और दोस्तों ये थोड़े डल सा दिखने लगता है, जितने भी डोरमेंट ये जितने भी ये प्लांट्स हैं इंडोर प्लांट्स ये सब थोड़े डल दिखने लगते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा फरवरी से फिर से इसमें अच्छी ग्रोथ होने लगेगी। और आगे है ये रियो प्लांट, दोस्तों ये भी इंडोर प्लांट है और ये भी डोरमेंट हो जाता है, इसमें भी नया ग्रोथ नहीं होता है, तो आप इस सबको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, बस पानी का इस वक्त ख्याल रखना है। दोस्तों आगे है ये स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट भी डोरमेंट हो जाता है और इसमें देखिए अभी मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा गीले भी नहीं है और बहुत सूखा भी नहीं है, हल्का सा मॉइस्चर है, तो ऐसे ही मिट्टी होनी चाहिए सारे ये इंडोर प्लांट्स की। और इसके लिए दोस्तों एक बार आप इसमें अच्छे से पानी दे दीजिए, उसके बाद जो टॉप लेयर ड्राई हो जाए उसके बाद ही इसमें पानी दीजिए, तो आपके जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं वो बच जाएंगे। और दोस्तों ये है डेविल बैकबोन, दोस्तों ये भी डोरमेंट हो जाता है लेकिन अभी इसमें ग्रोथ अच्छी हो रही है, नए नए शूट्स निकल रहे हैं और ये काफ़ी एक हफ्ते पहले ये शूट्स निकले थे, उसके बाद में ये रुक गया है इसकी ग्रोथ, लेकिन अभी इसके लीव्स नहीं झड़े हैं और जैसे ही ज़्यादा ठंड होगी वैसे इसके लीव्स वगैरह झड़ने लगेंगे, और जैसे फरवरी में टेम्परेचर बढ़ने लगेगा इसमें फिर से न्यू ग्रोथ होगी। इसमें और एक मेरे पास एक वैरायटी है, ये देखिए दोस्तों ये भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है, अभी देखिए ये जो पुराने ब्रांचेस है उसमें से सारे लीफ झड़ गए हैं और जो न्यू ग्रोथ है उसमें अभी सही है, ये मैंने हैंगिंग पॉट में लगाया हुआ है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी मुलाकात होती रहे। थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग।